बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षकों ने रक्षाबंधन के मौके पर राखियां भेजकर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक नजर इस खबर पर। बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षकों ने रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री को राखियां भेजकर वेतन के लिए ध्यान आकर्षित किया। शासन लाडली बहन योजना चला रही है, यह अच्छी बात है। बिना अनुदानित स्कूल पर कार्यरत शिक्षकों ने भी अनेक वर्षों से बगैर वेतन के काम किया है। काफी संघर्ष के बाद सरकार ने एक चरण की सब्सिडी दी, लेकिन वादे के बावजूद उन्होंने अगला चरण देने का वादा नहीं निभाया। क्या हम बहने नहीं? ऐसा सवाल पूछते हुए रक्षाबंधन के पर्व पर चंद्रपुर में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री और वित्त मंत्री को राखियां भेजकर आश्वासन दिए मुताबिक पूरा वेतन देने की मांग की। गेले अनेक वर्ष आम्ही बिना वेतन काम केले आहे आणि अनेक संघर्ष करून आम्ही आम्हाला टप्पावाट दिला, अनुदान दिला सरकारने, परंतु पुढील टप्पा आम्ही मागणी करत आहे पण सरकार आमच्या मागणीकडे लक्ष देत नाही आणि आम्ही हे रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना निवेदन देत आहे, राख्या पाठवून आम्ही अशी मागणी करत आहे की आमच्या यावेळेच्या रक्षाबंधनाला त्यांनी टप्पावाढची ओवाळणी देऊन आमची मागणी पूर्ण करावी अशी मी त्यांना विनंती। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधी वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।